हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं टीवीएस रेडर 125 का फाइनेंस स्कीम। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और मैंने भी बाइक जो है वो परचेस कर ली है, तो प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह भी सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि लो डाउन पेमेंट आपको कितना करना होगा और इंटरेस्ट वगैरह कंपनी आपसे क्या चार्ज करेगी, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है जब आप शोरूम पर आ रहे हैं तो, और मिनिमम कम से कम कितना डाउन पेमेंट में बाइक जो है बाइक को घर ले जा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे टीवीएस क्रेडिट से हैं भैया, जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। बता दिए भी अपना इंट्रोडक्शन। मैं हरदीप सिंह बात कर रहा हूँ टीवीएस क्रेडिट से। तो भैया, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अभी जो टीवीएस की राइडर 125 आई है, इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना होगा, हम फाइनेंस के लिए आ रहे हैं? नॉर्मली जो आधार कार्ड, पिन कार्ड है, बैंक का पासबुक फोटो लेकर आइए, आपका गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा। अगर नॉर्मली आपके पास खाली आधार कार्ड भी है तो आप ला के कर सकते हैं। और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बाइक लेने? 21। उससे कम है तब नहीं, उससे कम फिर आपके कॉम्प्लिकेट लगेगा, आपके साथ आपके पेरेंट्स को लगाना पड़ेगा या आपके पेरेंट्स का अगर आधार कार्ड है। अच्छा। तो उनको कॉम्प्लिकेट और हो सकता है। अर्निंग मेंबर होना जरूरी है कि मतलब जैसे अगर कोई स्टूडेंट है अपना भाई लोग को अगर आ रहा है लेने के लिए तो उसको क्या मतलब देना होगा प्रूफ में, अर्निंग प्रूफ में? अर्निंग में अगर कोई स्टूडेंट को तो सर अलाउ नहीं होता अभी तक बाइक, अगर कोई अर्निंग मेंबर है तो अगर उनके भाई है या उनके फादर है तो कोई एप्लीकेशन लगा के हम लोग ये गाड़ी फाइनेंस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब डायरेक्ट स्टूडेंट जो है अगर वो आता है तो उसके नाम पर डायरेक्ट नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब किसी को कोई एप्लीकेशन बनाना होगा? बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, और जैसे मतलब अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब में उसका सैलरी स्लिप लगेगा, और बिजनेस में अगर ITR है तो कितना साल का देना? नॉर्मल सर कुछ भी नहीं, खाली आप आधार कार्ड लेके आइए और बैंक का पासबुक लाइए, गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा। अगर आपके पास पासबुक नहीं भी है फिर भी हमारे पास फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, मतलब इतना फैसिलिटी आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स का बात। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है अभी क्या यहाँ पे पड़ रहा है? लमसम 1,03,800 लमसम कुछ प्राइस है ऑन रोड, ये टॉप मॉडल का। और बेस मॉडल अभी तक तो आया नहीं है, अभी तो बेस मॉडल अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर आएगा तो वो आपको लगभग में वही आप मानकर चल सकते हैं कि 95,000 से 96,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में रहेगा इसका बेस मॉडल का, जिसमें कि आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। तो इसके लिए अभी सबसे पहले आप हमको बताइए लो डाउन पेमेंट स्कीम, जिसमें कि हमें कम से कम डाउन पेमेंट करना है। 20,000 है, 20,000 से शुरू होता है, बाकी मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं। अच्छा, तो मिनिमम जो 20,000 वाला स्कीम है उसमें हमें जो है वो कितना मंथली EMI आता है? उसमें मंथली लमसम आपका देख लीजिए 4,583 रुपये आएगा 24 मंथ के लिए। 24 मंथ जी हाँ। अच्छा, 4,583 में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, 11.85 का लमसम में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उससे नॉर्मली 36 मंथ के लिए भी हमारे पास स्कीम है, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा लगेगा। जी हाँ। और जैसे एक आप बता रहे थे कि लो डाउन पेमेंट स्कीम, जिसमें कि मतलब 2 या 3% का इंटरेस्ट हमें देना पड़ा था, वो कौन सा स्कीम है? वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्कीम है। अच्छा, सर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 12 मंथ की स्कीम है। उसके लिए आपको डाउन पेमेंट मैक्सिमम 50,000 तक डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर 50,000 का हम डाउन पेमेंट कर देते हैं तो हमें इंटरेस्ट जो है कितना लगेगा उसमें? 3% बस। जी हाँ। कितना ड्यूरेशन के लिए वो है? 12 मंथ के लिए। 12 मंथ के लिए, तो उसमें कितना EMI आता है मंथली? उसमें लमसम आपका आ जाएगा EMI जो है 5,180 12 महीना के जी लिए। हाँ। तो ये एक अच्छा स्कीम है फ्रेंड्स, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट भी जो है वो कम लग रहा है और डाउन पेमेंट आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, लगभग 50,000 के अप्रॉक्स में अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आप इस बाइक को डायरेक्टली घर ले जा सकते हैं और 12 मंथ्स के लिए आपका फाइनेंस भी हो जाएगा 3% इंटरेस्ट रेट के साथ। और कोई स्कीम आप बताना चाहें? फिलहाल तो हमारे पास सर जितनी स्कीम आई है मैंने इसकी जानकारी दी थी, अगर और भी कोई स्कीम आती है तो आपको इसके माध्यम से इसकी जानकारी मिले। तो आपके हिसाब से मतलब आप ये बताइए कि कौन सी स्कीम ज़्यादा अच्छा रहेगा सर? अगर आपके वोट आपके डाउन पेमेंट के साथ डिपेंड करता है ना कि आप डाउन पेमेंट क्या करना चाहते हैं। अगर आप लो डाउन पेमेंट करते तो आपको स्कीम अभी हमारे पास बेटर है जो TVS राइडर में, इससे सबसे बेटर स्कीम अभी तक TVS में आई हुई है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये था आज के इस वीडियो में, मैंने पूरा फाइनेंस डिटेल जो है वो बता दिया और हम हरदीप जी का जो है वो स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे। अगर आप शोरूम पर आ रहे हैं, CL TVS में अगर आप आ रहे हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लगभग सभी बाइक्स का जो फाइनेंस है वो हो जाता है और TVS की क्रेडिट जो TVS की अपनी कंपनी है तो ईजिली फाइनेंस भी हो जाता है। और टाइम कितना लगेगा फाइनेंस में? हाफ एन आवर। हाँ, आधा घंटा बस, आधा घंटा मात्र आपको लगेगा फ्रेंड्स। तो होप करता हूँ आपकी डाउट जो है वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।